दिसंबर के महीने में डंकी वर्सेस एनिमल वर्सेस मैरी क्रिसमस होने जा रहा है, क्योंकि एक ही महीने में तीन बड़ी फिल्में रिलीज के लिए शेड्यूल कर दी गई है। दिसंबर में शाहरुख खान जवान के विलन विजय सेतुपति और रणबीर का दम दिखेगा। शाहरुख से फिल्म जवान में भिड़ने के बाद विजय एक बार फिर से शाहरुख से पंगा लेंगे और शाहरुख से टकराने वालों की लिस्ट में विजय के अलावा रणबीर भी शामिल हैं। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या शाहरुख की डंकी के आगे मैरी क्रिसमस और एनिमल टिक पाएंगे, या फिर इस बार भी शाहरुख डंकी से बाजी मार जाएंगे। तो चलिए जानते हैं कि आखिर क्या कुछ होने वाला है इस महाक्लैश में। दरअसल शाहरुख खान अपनी फिल्म डंकी की शूटिंग कर रहे हैं और इस फिल्म का पोस्ट प्रोडक्शन वाला काम भी साथ साथ में चल रहा है, क्योंकि ये फिल्म 22 दिसंबर को थिएटर्स में रिलीज होने को तैयार है। ऐसे में दिसंबर के महीने में कुछ वक्त तक सब मेकर साइड थे, कोई भी अपनी फिल्म को रिलीज करने से बच रहा था, लेकिन रणबीर कपूर ने और विजय सेतुपति ने अब शाहरुख से टकराने का मन बना लिया है, क्योंकि पहले खबर आई थी कि जो एनिमल 11 अगस्त को रिलीज हो रही थी वो अब नए डेट पर यानी कि 1 दिसंबर को रिलीज होगी। ऐसे में रणबीर कपूर की मोस्ट अवेटेड फिल्म एनिमल का इंतजार कर रहे फैंस को तगड़ा झटका भी लगा था। फिल्म की रिलीज डेट आगे खिसका दी गई थी और ये 1 दिसंबर 2023 के लिए तय कर दी गई। वहीं हालांकि ये जानते हुए कि शाहरुख की फिल्म इसी महीने में रिलीज हो रही है, फिर भी फिल्म के डायरेक्टर संदीप ने इसकी रिलीज डेट आगे बढ़ाए और इसके आगे खिसकाए जाने पर चुप्पी तोड़ते हुए बड़ा खुलासा भी किया था। उन्होंने कहा था कि फिल्म की रिलीज डेट पोस्टपोन और क्वालिटी को मद्देनजर रखते हुए की गई है। संदीप ने एक वीडियो शेयर करके कहा था, मैं फिल्म एनिमल का डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा हूँ। मैं इस वीडियो को दो कारणों से बना रहा हूँ। पहला कारण कि क्यों हम लोग फिल्म को 11 अगस्त को रिलीज नहीं कर रहे हैं, और दूसरा ये कि इसकी नई रिलीज डेट क्या है। संदीप रेड्डी वांगा ने आगे कहा था कि फिल्म को 11 अगस्त को हम लोग इसकी क्वालिटी के चलते रिलीज नहीं कर पा रहे हैं। मैं आपको पोस्ट प्रोडक्शन के काम के बारे में नहीं समझाऊंगा, क्योंकि ये आपको बोर करेगा। मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ। हमारी फिल्म में 7 गाने 5 भाषाओं में हैं। इस तरह कुछ 35 गाने बनते हैं। इन 35 गानों को सेट करने में समय लगेगा। हालांकि ये फिल्म शाहरुख की डंकी से 21 दिन पहले ही थिएटर्स में आ रही है। इसका मतलब ये है कि फिल्म इतने दिन में यानी कि 3 हफ्तों में पैसा खूब छाप सकती है, लेकिन असली स्ट्रगल तब शुरू हो जाएगा जब डंकी 22 दिसंबर को रिलीज हो जाएगी। तब एनिमल को आगे बढ़ने के लिए, दर्शकों को अट्रैक्ट करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ सकता है। इतना ही नहीं, एनिमल के अलावा कटरीना कैफ और जवान के विलन विजय सेतुपति भी अपनी फिल्म मैरी क्रिसमस को डंकी की रिलीज वाले महीने में ही रिलीज कर रहे हैं। जी हाँ, फिल्म मैरी क्रिसमस 15 दिसंबर 2023 को रिलीज होने वाली है और ये डेट शाहरुख खान की डंकी से बस एक हफ्ता पीछे है, यानी कि विजय कटरीना की फिल्म का एनिमल के साथ भी क्लैश होगा। लेकिन कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं कि डंकी के आते ही एनिमल और मैरी क्रिसमस बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिर सकती है। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि शाहरुख के दहाड़ के आगे टिकने के लिए रणबीर और विजय कौन कौन से स्ट्रेटेजी अपनाते हैं। साथ ही ये भी देखना रहेगा कि क्या इन दोनों फिल्मों के रिलीज डेट चेंज होता है या फिर नहीं। खैर, आप बताइए, डंकी के सामने रणबीर की फिल्म एनिमल और विजय सेतुपति और कटरीना कैफ की फिल्म मैरी क्रिसमस टिक पाएगी? बताइए अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यू, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।